नमस्कार किसान भाइयों, आपका स्वागत है केपी एग्रो फार्म यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग से जुड़े एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जो क्वेश्चन फार्मर्स को होता भी है और अगर ना भी हो तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानने के लिए, क्योंकि वो एक तरह से फार्मिंग की नींव है। ठीक है, जितनी ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस उसमें फॉलो होगी उतना अच्छा रिजल्ट आपको पूरी लाइफ साइकिल में पिगरी में दिखेगा। ठीक है, उतना कम फार्म घाटे में रहेगा। मतलब मेरे को लगभग साढ़े पाँच साल का एक्सपीरियंस हो गया और मेरे अकॉर्डिंग इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोई है ही नहीं। ठीक है, ये जितना आपको फ़ायदे में रख सकता है उससे ज़्यादा कोई और चीज़ महत्वपूर्ण है ही नहीं। मतलब अगर ये चीज़ कंट्रोल में है तो आप समझ लीजिए घाटे से उतना दूर है। तो ये चीज़ समझना और अच्छे से करना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब इसमें ये मैं अभी एक बाड़े में बैठा हुआ हूँ जिसमें लैक्टेशन मदर है, जो दूध पिलाने वाली मादा है, आप देख रहे होंगे। इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, इसके अच्छे थन है, अच्छा दूध है इसके में, और इसके बच्चे भी आप देख रहे हैं हेल्दी हैं। ये 28 तारीख की मादा है, 28 तारीख की रात को ये डिलीवरी हुई थी। तो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, 28 अगस्त की है, 24 सितंबर का वीडियो शूट कर रहा हूँ, दोपहर के 1-2 बज रहे हैं। ठीक है, तो इनकी एज आप देख रहे हैं लगभग समझ लीजिए 25 दिन के आसपास, 24 या 25 दिन के आसपास हो रही है। ठीक है, तो बच्चों ने अच्छी ग्रोथ ली है जो एक्सपेक्टेड था इसमें मैंने, बल्कि अभी बच्चे और भी अच्छी ग्रोथ लेते हैं अगर मैं सही टाइम पे इसे खसी कर देता है, बच्चे इसके खसी नहीं है। ठीक है, तो बच्चे कुछ ट्रायल भी था तो इस वजह से मैं खस्सी नहीं कर पाया। तो इसमें आप देखेंगे जो अभी मैंने इनके बच्चों को तोला है, इसका सबसे बड़ा बच्चा जो है इस बाड़े में 8 किलो का है और सबसे छोटा जो बच्चा है वो 4.5 किलो का है। ठीक है, तो ये इस मादा की और इस बच्चे की जानकारी हो गई। अब इसमें ना इस जो कमरे में पिगरी की जो मैं आपको बात करने जा रहा हूँ वो एक तरह से पूरी नींव है, पूरी नींव है पूरे फार्म की आपके चलाने की। ठीक है, सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में अभी बात नहीं करता वो फीड होती है। ठीक है, जो फीड मादा खा रही है वो छोटे शब्दों में बता देता हूँ बस, कि हाई एनर्जी फीड होनी चाहिए, हाई प्रोटीन हाई न्यूट्रिशन फीड होनी चाहिए, अच्छी फीड होनी चाहिए ताकि मादा कमज़ोर ना हो। ठीक है, क्योंकि मादा इस फेस में कमज़ोर हो जाती है, लेकिन उस विषय में अभी बात नहीं करते। जो मेन टॉपिक जिसमें मैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लेकिन उसको अभी साइड में रख देते हैं। जो दो और चीज़ें हैं इसमें महत्वपूर्ण हैं वो चीज़ें ये हैं कि ये क्वेश्चन बहुत आता है कि भाई कितने दिन में बच्चों को हटा दें। ठीक है, पहले आता था कितने दिन में हटा दें, फिर ये चीज़ें आई, मैंने खुद भी बोला है कि वज़न के अकॉर्डिंग बच्चों को हटाया करो जब वज़न हो जाए 7 किलो का। ठीक है, तो इसमें भी कुछ चीज़ें हैं, और दूसरा कि किस तरीके से हटाएं, वीनिंग किस तरीके से करें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों हैं, एक तो अगर आप वीनिंग का जो आपका तरीका होगा ना, वीनिंग मतलब मादा से बच्चों को हटाना, जिस तरीके से आप हटाओगे आप देखोगे अगर आपका वो सही तरीका नहीं है ना, आप करीबन 15 से 20 दिन ज़्यादा लगा दोगे वो बच्चे को 100 किलो करने में, क्योंकि बच्चा ले लेता है बैक गियर। ठीक है, बच्चा बैक गियर ले लेता है, वो 20-25 दिन 30 दिन कभी कभार उससे भी ज़्यादा दिन आपके ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता फिर आप कौन सी फीड खिला रहे हो। ठीक है, कैसी फीड बना रहे हो, वो बच्चे ने वीनिंग स्ट्रेस की वजह से वो 20-25 दिन 1 महीना 40 दिन वो वेस्ट कर देता है। ठीक है, और हमें लगता है कि बच्चा डाउन जा रहा है, सही चीज़ें नहीं चल रही हैं, लेकिन वो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, कि हम किस तरीके से हटा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कि कब हटाएं। ठीक है, तो अब जैसे पहले बात करते हैं कि कब हटाएं बच्चों को। ठीक है, तो इसमें सबसे देखिए कई तरीके हैं, सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, जिस हो सकता है आप लोग इससे भी अच्छा कर रहे हो। ठीक है, लेकिन जो मुझे सही लगता है जिस तरीके से मैं कर रहा हूं, और अगर मैं वो नहीं करता तो मुझे वो दिखता है, मतलब मुझे दिखता है कि यार ये ख़राब हो गया मामला। ठीक है, तो किस तरीके से वीनिंग करता हूँ मैं बच्चों को हटाता ही नहीं हूँ। ठीक है, बच्चों को नहीं हटाता, मादा को हटाता हूँ। ठीक है, बच्चों का कंफर्टेबल होना ज़रूरी है, मतलब वीनिंग स्ट्रेस जो वर्ड है ना, आप समझिए स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट
वर्ड है, ये बच्चे हैं छोटे से, हमारा भी बच्चा होता है छोटा सा, वो स्ट्रेस में बहुत जल्दी आ जाता है, ऐसे ये भी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो अगर आप इन्हें हटा के नई जगह में ले जाओगे, इनके लिए यही दुनिया है, इनका यही घर है, आप समझिए, ठीक है। जब ये छोटे छोटे से हैं, आप इसे कहीं निकाल के किसी दूसरी दुनिया में ले जाओगे, ठीक है, और फिर दूध नहीं मिलेगा, और आप इसे नया फीड देने लगोगे, तो क्या इन पे स्ट्रेस नहीं आएगा? आप लॉजिकली भी सोचो, ठीक है, तो वो स्ट्रेस इन पे आता है। तो अब कई बार इसमें आ जाता है कि हमारे पास इतने कमरे नहीं है, देखिए वो सब अलग बातें हैं, अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई बेस्ट तरीका क्या है, ठीक है। हमें भी कमरों की दिक्कत आ जाती है कई बार, मादाओं की डिलीवरी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कमरों की दिक्कत आ जाती है, हमें भी फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन अभी बेस्ट तरीके की बात हो रही है, तो इसमें बेस्ट तरीका यही है, बच्चे वहीं रहें। और ऐसा भी ना हो कि मादा एकदम से हटा ली, मादा आप हटा रहे हो, जैसे अब आपने डिसाइड करा कि मुझे इस दिन हटानी है, ठीक है, तो मादा के हटाने का प्रोसेस को भी 8-10 दिन रहने दो, ठीक है। अब 8-10 दिन कैसे, जैसे मादा आपने हटाई, पहले दिन आप हटा रहे हो 7-8 घंटे के लिए, ठीक है, आपने सुबह के टाइम हटाई और रात के टाइम रख दिया, मतलब समझ लीजिए आपने सुबह 10 बजे हटाई और शाम के 6 बजे वापस डाल दी, ठीक है। धीरे धीरे करके ऐसे ही ड्यूरेशन अपनी बढ़ाते जाओ कि भाई सुबह के हटाई रात को कर दी, ठीक है, फिर आगे एक समय 2-3 दिन बाद ऐसे कर दो कि मादा सिर्फ रात में आ रही है सोने, ठीक है, और फिर ऐसे धीरे धीरे करके आपने वो 8-10 दिन बाद ये कर दिया कि मादा वापस लाना ही बंद कर दिया, तो उससे कई सारे और भी फायदे होते हैं कि जैसे थन होते हैं मादा के धीरे धीरे सूखते हैं तो गांठ नहीं बनती है, ठीक है, बच्चों को भी समझ आ जाता है कि मादा कहीं जा रही है अपना काम से जा रही है, तो वो धीरे 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 करके बच्चों को भी आदत हो जाती है अकेले रहने की। साथ में इसमें होता है कि बच्चे अपने साथ में सब, इनकी दोस्ती है अच्छे से, सब भाई बहन है, ठीक है, इनको खाने वाने में दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही जगह पे वो रह रहे हैं, ठीक है, तो इनके खाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब आप मादा हटाते हो ना, जो मेन बच्चों का वजन जो जल्दी बढ़ता है ना, ठीक है, वो बढ़ता है फीड खाने से, जो ड्राई फीड होती है, जो जिसका ड्राई मैटर बहुत कम होता है, दूध मादा बहुत अच्छा भी उतार रही होगी ना, लेकिन एक समय के बाद 20-25 दिन बाद जो फीड असली तेजी से वजन बढ़ेगा वो बढ़ेगा फीड से, बहुत तेजी से फीड से वजन बढ़ता है बच्चों का, अगर फीड अच्छा भी है और फीड बच्चे अच्छे से खा रहे हैं, तो मादा जैसे जैसे जाएगी ना दूध जाएगी, तो उस हिसाब से क्या होगा, बच्चा ज्यादा से ज्यादा फीड खाएगा क्योंकि उसको दूध कम मिल रहा होगा, भूख तो उसकी बहुत तेजी से बन रही होगी, है ना, तो बच्चे का वजन भी आप देखोगे बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है, और बच्चे पे स्ट्रेस नहीं आएगा। और फिर बच्चे जब आपको लगे कि भैया इस बाड़े में अब मादा आपने हटा दी, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके जैसे मैंने बताया तरीका, आपने मादा हटा दी, अब मादा हटने के भी ऐसा नहीं है, मादा आपने लाना भी बंद कर दिया, उसके बाद भी आपको जब बच्चा वहां पे हो जाए 10-12 किलो का अच्छे से हो जाए, ठीक है, तब जाके आपको उस बाड़े से निकालना है, ठीक है। देखिए इसमें कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि इतना हमारे पास कमरे नहीं हैं, कई कि भाई कमरा ना है, उसके अलावा और भी कई सारे कारण बढ़ते हैं, ठीक है, कि हम 12 किलो तक रखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा टाइम तक हमारा कमरा ये बिजी रहेगा। देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ बेस्ट तरीके की, बेस्ट तरीका यही है, ऐसा नहीं है हर जगह ये फॉलो होता है, आप बाहर की कंट्रीज में देखोगे वहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन आप खुद से सोचो, एक सबसे कम स्ट्रेस अगर हमें बच्चे पे लेके आना है और उसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए, ठीक है, तो हमें कुछ ऐसी चीज़ें अगर जो हम अपनी तरफ से प्रैक्टिस में फॉलो कर सकते हैं तो हमें वो फॉलो करना चाहिए, नहीं कर पाते, मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन कईयों को प्रॉब्लम नहीं भी होती लेकिन वो तब भी फॉलो नहीं करते क्योंकि उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो बेस्ट तरीका यही है। उससे क्या होता है, बच्चे की ग्रोथ आप देखोगे कभी भी डाउन नहीं जाती है, ठीक है, बैक गियर एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप इतना मतलब इसके सॉल्यूशंस नहीं देखोगे नेट पे क्योंकि ये बहुत मतलब समझदारी वाली चीज़ें हैं कि जो हम खुद से अपनाते हैं, जैसे एक हमारे सिस्टम में होता है ना, हम लॉजिकली जो चीज़ करते हैं, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें तो नहीं मिलेगी आपको पढ़ने के लिए या उसके लिए, तो ये आपको खुद से ही सोचना पड़ेगा, तो ये एक खुद के ही अपने समझ लीजिए इंडियन फार्मिंग के जो मैंने तरीके निकाले, ठीक है, या जो लोगों ने निकाले वो तरीके हैं, तो जो मेरे को अच्छा फायदा देता है वो ये तरीका है, ठीक है। अब इसमें जो एक और क्वेश्चन रह गया कि भैया किस वजन पे या कितने दिन पे, ठीक है, अब मान लीजिए ये मादा अच्छा दूध नहीं उतारती, ठीक है, तो अब समझ लीजिए 40 दिन हो गए,
अब 40 दिन हो गए, मादा अच्छा दूध नहीं उतार रही, बच्चे भी कमजोर होंगे, फीड पे भी बच्चा कम खा रहा होगा, क्योंकि बच्चे कमजोर होते हैं उस टाइम पे, धीरे धीरे फीड पकड़ते हैं, तो उस टाइम पे वो ड्यूरेशन आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि आपको यही कोशिश करना है कि मादा के नीचे बच्चा अच्छे से ग्रो हो जाए, 45 दिन, चाहे कभी कभार 60 दिन भी हो जाए, लेकिन वो अच्छे से ग्रो हो जाए, ताकि वो आगे जाके अच्छी ग्रोथ करके, उसका बेसिकली जो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका गट सिस्टम है, वो फीड के लिए अच्छे से तैयार हो, ठीक है? फीड के लिए अच्छे से तैयार हो, ताकि वो ऐसा ना हो कि एकदम से आप फीड पे लगा दें तो वो बहुत दिन वेस्ट कर देता है, तो वो ग्रोथ ज़रूरी है। अब इसमें एक चीज़ और होती है कई बार कि हमारे साथ ये होएगा कि मादा हम ज़्यादा दिन लगा देते हैं, तो मादा बहुत बेकार हो जाती है, मादा कमजोर होने लगती है, कमजोर होने लगती है, और एक बार मादा की धीरे धीरे हड्डी निकलने लग जाएगी ना, तो आप देखेंगे कि वो फिर मादा ना रिकवरी, कई बार तो ऐसा होता है कि उसकी आप रिकवरी कर ही नहीं पाओगे, आप कोई सा इंजेक्शन लगा दो, कुछ कर दो, कितना कैल्शियम दे दो आप उसे, लेकिन वो अपने फिर से वाली जो पहले हेल्थ थी, कई बार वो उस पर नहीं आएगी, आप कुछ कर लोगे, ठीक है? तो वो मादा आपकी ख़राब हो जाती है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और निकलता है कि मादा की हेल्थ भी डाउन नहीं होनी चाहिए। तो मादा की हेल्थ डाउन ना हो, उसके लिए वही तरीका है कि मादा को ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे करके, जब आपको मादा कमज़ोर होने के बाद एक्शन नहीं लेना है इसमें, पिगरी में हमेशा आप देखेंगे प्रिकॉशन बेटर होती है, ठीक है? मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार पतले हो जाने दे फिर मैं देखूंगा, पतली हो गई ना आपका पैसा भी खर्च होगा, मादा के वापस आने के चांसेस भी बहुत कम होंगे, इसलिए पहले ही अंदाजा लगाना है कि ये मादा जा रही है, डाउन हो रही है, इसलिए डेली नोटिस करना जरूरी है, ठीक है? मादा डाउन हो रही है, अगर ये और डाउन हो गई तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मेरी अच्छी खासी मादा भी खराब हो सकती है, ठीक है? तो उसमें वही तरीका आपको लगाना है मादा को, और मल्टीविटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम पहले से ही दें, ताकि उसमें और एनर्जी आए, ठीक है? कुछ अगर वो कम खा रही है तो कुछ ऐसा दें कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा फीड खाए, और फीड भी हाई एनर्जी होनी चाहिए, ताकि कम, अगर वो कम भी खा रही है तो उसे अच्छी खासी एनर्जी मिले, इसलिए लैक्टेशन फीड हाई एनर्जी फीड बनाई जाती है, ताकि कम भी खाए ना तो अच्छी खासी एनर्जी मिल जाए, क्योंकि कई बार ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऐसा होता है मादा का बीमार हो गई, फीवर हाई हो गया, बच्चों के साथ भी कुछ ना कुछ लगा रहता है, बच्चों के दस्त हो गए, मादा को भी दस्त हो जाते हैं ऐसे स्टेज में, तो वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि वो बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अलग टॉपिक है। कभी अगर आपको इस बारे में और बात करनी हो और जानना हो, क्योंकि ये जो मेरे को वीडियो बनाते हुए खुद रियलाइज़ हो रहा है कि जिस बारे में मैं जिस कमरे में बैठ के बात कर रहा हूँ, ये एक्चुअली पूरी की पूरी नींव है पिगरी की। इस बारे में मेरे हिसाब से तो अगर घंटों भी टॉपिक में लग जाए ना, 4-4 घंटे भी बात होती रहे, ताकि हजारों चीज़ें जो शायद वीडियो में वीडियो सोचने से पहले दिमाग में नहीं आती, लेकिन बात करते करते ध्यान आ जाए और उस बारे में बात हो, ठीक है? ताकि उस बारे में या तो आपको सॉल्यूशन मिल जाए, या कोई पॉइंट मिल जाए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो आप बताइएगा कमेंट्स में, तो इसके बारे में और एक लंबा वीडियो बनाएंगे। मगर इस वीडियो के दो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट थे कि भाई बच्चों को कब हटाना चाहिए, तो बच्चों को हटाना ही नहीं है, बच्चों को उधर ही रहने दो, ठीक है? जब बच्चे 6-7 किलो के हो जाएं उस रेंज में, तब मादा को हटाना चालू करो, ठीक है? और उसके बाद बच्चे टेंशन फ्री होते जाएंगे, तो आप देखेंगे मादा एक दिन आएगी भी नहीं, तो बच्चे को बहुत पता भी नहीं चलेगा, बच्चे को स्ट्रेस ही नहीं होएगा, क्योंकि बच्चा उसी आदत में है, ठीक है? तो और वो वजन बता दिया मैंने आपको, किस तरीके से बच्चों को हटाना है वो बता दिया मैंने, ठीक है? तो इस तरीके से करना है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसमें गलत जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सही जाने के 2-3 ही रास्ते हैं, कोई ऐसा नहीं है इससे अच्छा भी कोई और काम कर रहा होगा तो उसको पकड़िए, लेकिन अपने फॉर्म पे निर्धारित करिए कि ये सही रास्ता है और मैं ऐसी सही रास्ते पे चलूंगा, ताकि मेरे फॉर्म के बच्चों की हेल्थ पीछे ना आए, डाउन ना हो, जितना वो अच्छे चलेंगे आप देखेंगे आपकी फॉर्म की तरक्की होगी, और आपको अपने फॉर्म पे विजिट करना, देखना, बच्चों को देखना, बच्चों की हेल्थ को देखना, सब अच्छा लगेगा, ठीक है? धन्यवाद।